हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी में। मैं हेमंत कुमार शर्मा, आज मैं आपको कुछ स्मार्ट कैलकुलेशंस कराऊंगा, और ऐसे कैलकुलेशंस कराऊंगा जिसमें पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वैल्यूज़ बड़ी अच्छी होंगी, बस आपको सोचना है, लॉजिक लगाना है, और लॉजिक से फटाफट आंसर्स आएंगे आपके। तो यू नीड नॉट टू बी थिंक कि मतलब यू नीड टू बी थिंक बट यू नीड नॉट टू बी कैलकुलेट दी थिंग्स। आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सोचना है, और सोच के आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग की। कैलकुलेशन बिना पेन के, सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, नंबर वन क्वेश्चन है 611/1363 का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो ऑप्शंस हैं, नंबर ए 23/29, नंबर बी 13/29, नंबर सी 13/23 और डी 17/23। इन चारों में से कोई एक आंसर है। अब वो आंसर आप कैसे बता सकते हैं बिना पेन का यूज किए? तो उसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक क्या है कि 611 का डबल करेंगे तब भी नहीं आना ये नंबर, मतलब 611 के दोगुने से ज़्यादा है ये नंबर। तो यही हम इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि 23 के डबल से ये नहीं है ज़्यादा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि 23 का डबल कितना होता है 26, तो सॉरी 23 का डबल कितना होता है 46, तो 46 से ये ज़्यादा है ही नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। 13 का डबल कितना होता है 26, 26 से ये ज़्यादा है, हाँ तो ये आंसर पॉसिबल है, बट आई एम नॉट सेइंग कि यही आंसर है, ये आंसर पॉसिबल आंसर हो सकता है। 13 के दोगुने से ये ज़्यादा नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 17 के दोगुने, ये भी आंसर नहीं है। अब लॉजिकली जब तीन आंसर आउट हो गए तो एक बचा, वही हमारा आंसर होगा, इसलिए हम इसे टिक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका लॉजिकल आंसर, यानी कि बिना पेन को हाथ लगाए आप इस क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर है, राइट। लेकिन बात ये भी आती है कि कई बार दो ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें दोनों ही 13/29 आ गया। अब मान लो 23/46 की बजाय 47 आ गया या 49 आ गया, ये दो ऑप्शन है, ये इसके डबल से ज़्यादा है, ये इसके डबल से ज़्यादा है, तो हम इन दोनों में इस तरह का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं हम इस तरह का कि जब दो ऑप्शन ऐसे आ जाए एक या दो, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सही तरीका ये है कि ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मतलब इसका अंश, और ये हर है, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से डिवाइड होता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से डिवाइड होता है। तो ये हम चेक करेंगे कि ये कटता है कि नहीं कटता। तो देखो 49 कटता है 7 से, 7 के अलावा किसी से नहीं कटता, मतलब 49 से तो कटेगा ही, लेकिन इसका छोटा नंबर जो इसको काट सकता है वो 7 है। तो यदि 7 इसको काट रहा है, 23 इसको भी काटेगा, तो चेक करते हैं। तो 7 नीचे वाले को काट रहा है तो 7 इसको भी काटना चाहिए। 7 बन जा 7, कितना बचा, कितना बचा इसमें, बचा 6। 7/9 = 63, अब बचा 3, 33। 33 को 7 नहीं काटता, मतलब नीचे वाला नंबर 7 से नहीं कट रहा, नीचे वाला नंबर 7 से नहीं कट रहा, तो फिर ये वाला फिर से आंसर नहीं हो सकता। यानी बिना पेन लगाए हम फिर से आंसर का पता कर लेंगे। तो ध्यान दें, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाना है, पेन नहीं चलाना है,
अगले क्वेश्चन को फिर से फिर देखते हैं हम. अगले क्वेश्चन के लिए फिर लॉजिक लगाना है आपको. सेवन 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 अपॉन वन वन फोर सेवन का सरलतम रूप. ऑप्शन ए 17/19, ऑप्शन बी 19/21, ऑप्शन सी 13/29 और ऑप्शन डी 21/31. ये आपको पता करना है. बिना पेन चलाए आपको दिमाग लगाकर आंसर बताना है तो कैसे कर सकते हैं? तो सीधी सीधी सी बात है कि 7 के डबल से कम है ये, तो इसके डबल से ये कम है, इसके डबल से ये कम है, इसके डबल से ये ज़्यादा है, इसे हटा दो. देखो 777 का डबल होता है 1400-1500 कुछ हो जाएगा, इसे कम है. तो 17/34 से कम ये है, 19/38 से कम ये है, लेकिन 13/26 से ज़्यादा है, तो ये हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा. और 21/42 से कम है. तो ये तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको आंसर दे सकते हैं, पर ये नहीं दे सकता. ऐसे हम लोग हटाएंगे, है ना. अच्छा अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला नंबर 7 से कटेगा. 7 7 से कट रहा है, तो इधर भी ऊपर वाला 7 से कटना चाहिए. नीचे वाले का भी पता नहीं लग रहा किससे कटेगा, तो बाद में देखेंगे. तो 17 7 से नहीं कटता, 19 भी नहीं कटता, 21 कटता है. तो इस तरह से हम इनको हटा देंगे और हमारा ये ऑप्शन आंसर दे देगा हमें. समझ में आया? एक और, ये 7 से कटता है, साथ में ये 3 से भी कटता है. देखो 21 3 से कटता है ना, तो ऊपर वाला भी 3 से कटेगा. 3 से डिवाइड करने का लॉ है, 3 से डिवाइड करने का रूल है कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. तो इनको सम ऑफ द डिजिट्स करो, 7 7 7 21 हो गया, 21 3 से कटता है. नीचे वाला 31 से कटता है कि नहीं कटता? अब 31 का टेबल तो नहीं आता आपको, तो ट्राई भी मत करना. हाँ एक लॉजिक लगा सकते हो, ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर से कटेगा, डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कटेगा. तो यदि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों का यदि आप सम करोगे n+d, तो वो इन दोनों के सम से कटेगा. और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वह इन दोनों के डिफरेंस से भी कटेगा. तो मैंने देखा कि इनका सम करने पे तो कोई बड़ा नंबर आ रहा है, पर डिफरेंस करने पे लास्ट में जीरो आ रहा है. 7 में से 7 गया 0, और इनका डिफरेंस करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो इसका मतलब ये नंबर इसके सिमिलर बिहेव कर रहा है. इस तरीके से ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो सकता है. तो सम लॉजिक्स आर लाइक दिस टाइप. आप उन्हें समझ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व ही किया जाए. यदि ऑप्शंस गिवन है तो ट्राई कि आप ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं. इस तरह से आप अपने दिमाग को एक क्रिटिकल अप्रोच या लॉजिकल थिंकिंग आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं. इससे चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आखिर ये क्वेश्चन किस टाइप का है और क्या कह रहा है. अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 756 882 का सिंपलेस्ट फॉर्म. ऑप्शन है 7/6, 6/7, 5/6, none of these. ठीक है, तो फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट कैसे बता सकते हैं? देखो ध्यान से, ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है. तो ऊपर वाला नंबर बड़ा, नीचे वाला छोटा, इसको तो हटा ही दो. ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, नन ऑफ दीज को बाद में देखेंगे. ऊपर वाला नंबर 5 से नहीं कटता, तो 5 वाले को हटा दो. यानी कि बचा हुआ ये या फिर ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है. नन ऑफ दीज को तो हम बाद में रखेंगे, पहले काट के देख लें. 6 से काटना भी आता है, 7 से भी काटना आता है. तो आप 6 का पाड़ा पढ़ लो, जितनी बार ऊपर वाला नंबर कटेगा 6 से, उतनी बार 7 से नीचे वाला नंबर कटेगा. तो 6 से हमने काटा, तो 6 से हम
मान लो पहाड़ा पड़े भी तो दो और तीन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेन तो चलाना नहीं है, तो पेन नहीं चलाना है सिर्फ। या ऐसे ही कर सकते हैं कि 6 एकम 6, अब बचा 15, तो 6 दुनी 12, अब बचा 3, तो 6 6 36, 126 बार कट गया। तो नीचे वाले से देखते हैं 126 बार, तो 7 एकम 7, 1 आ गया, अब बचा 18, तो 7 दुनी 14, 2 आ गया, अब बचा 42, 7 6 12, ये भी 126 बार कटा। यानी फाइनली योर आंसर मस्ट बी दिस। ठीक है, एक और तरीका है कि आप इनका डिफरेंस, इसके डिफरेंस से काट सकते थे, लेकिन इसका डिफरेंस तो 1 है, तो वहाँ पर क्या होता है कि 1 तो सबको काट सकता है, इसीलिए ये ट्राई करना बेकार होगा। तो इस तरीके से आप आइडियाज लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किसको कब काटेगा, कैसे काटेगा। यू कैन जनरेट अ आइडिया, तो आइडिया यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट वंस कि ये इसको काट रहा है या नहीं काट रहा है, इस तरीके से। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाएं, एनी आइडिया जनरेट करें, मे बी दैट आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। देखो 368/437 इसका सरलतम रूप, ऑप्शन 16/17, बी 15/17, सी 15/19, डी 16/19। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ जाते हैं, कभी कभी कंपैरिजन करने को भी आ जाता है कि ये दो फ्रैक्शंस दे दिए, एक ये दे दिया दूसरा दे दिया, दोनों में कौन सा बड़ा फ्रैक्शन, वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी इसका आंसर चाहिए मुझे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें ये कर सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसमें ऊपर वाला छोटा है, ये बड़ा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर 5 से नहीं कट रहा है, तो ये 15 15 हटा देंगे हम, बिल्कुल हटा देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा, ये भी नहीं कटना चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर नहीं कटना चाहिए। अब बात आती है 16/17 में और 16/19 में, तो ध्यान से देखना, इन दोनों के सम में लास्ट में 5 आ रहे हैं, 8 और 7 टोटल मिला के 15 होते हैं, 5 आ रहे हैं, तो इन दोनों के सम में 5 आ रहे हैं या इन दोनों के सम में 5 आ रहे हैं, इन दोनों के सम में 3 आ रहे हैं और इन दोनों के सम में 5 आ रहे हैं, तो 5 वाला उस 5 वाले को डिवाइड करेगा, तो ये दिस मस्ट बी योर आंसर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस तो 1 था, तो इसका डिफरेंस 3 है, तो 3 इनके डिफरेंस को काटेगा, इसका डिफरेंस मेरे ख्याल से आ रहा है 69, 69 3 को काट रहा है, देखो। तो इस तरीके के लॉजिक आप लगाकर ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप इससे सोचोगे और खुद व खुद समझने की कोशिश भी करोगे। तो रटो मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, दे विल गिव यू द डिफरेंट सिनेरियो ऑफ द सेम थिंग, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, समझें उस चीज़ को। अच्छा, अब हम मान लो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये कैलकुलेशंस वाले, कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस को लोग तरह तरह से अलग अलग तरीके से बना देते, पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यदि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जो सच में बड़े डिफ़िकल्ट से दिखें, क्या हम उनको भी बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम उसमें भी कोई दिमाग लगा सकते हैं? क्या हम कोई पजल बना सकते हैं? देखो, अब मैंने आपको बोला बिना पेन चलाए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए क्या होता है, मतलब कि आपको एक बार पेन रख देना है पेज पर, तो पेज पर ही आप उसे घुमाते रहो, लेकिन आप उसको एक बार लिफ्ट मत करो प्लीज़। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 9 पॉइंट्स में आप एक बार पेन रखेंगे और 4 लाइंस खींचेंगे, तो यहाँ पर ड्रॉ 4 लाइंस एंड
कवर ऑल द पॉइंट्स। क्वेश्चन है, आपको चार लाइन ड्रॉ कर रही है और सारे के सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। अभी आप इनको ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, आप बहुत ट्राई करोगे। पर हम ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत पुरानी पजल है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता होता है, पर ये मैंने सिर्फ इसलिए पूछ ली रेंडम कि आपको सोचना है। तो सोचोगे तो सोचने का तरीका होता है कि जब भी हमें कोई चीज़ दी जाती है हम उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, हम बियंड द लिमिट जाते ही नहीं हैं। जबकि बियंड द लिमिट जाओगे तो आपको असली कॉम्पिटिशन समझ आएगा। बियंड द लिमिट का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, ये हो गई एक लाइन और मैं इस लाइन से बाहर चला गया बियंड द लिमिट, और ये दूसरी लाइन ये हो गई, और ये तीसरी लाइन, और देन ये चौथी लाइन। चार लाइन में मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए। आप चार लाइन में सारे पॉइंट कवर करने के बहुत सारे ट्राई कर भी चुके होंगे कभी पहले या अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन आप पांच लाइंस में कवर कर पा रहे होंगे यदि आप उसी चीज़ के चारों तरफ घूमते हो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, तब जाकर आपको अलग से आंसर्स मिलते हैं जो बिना पेन के यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो ये एक पज़ल थी, सिंपल सी पज़ल थी जो हमने सॉल्व कर ली। ये बहुत इंटरेस्टिंग पज़ल्स होती है कुछ। अब पज़ल तो मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको जिसका लेवल सच में अच्छा है। कि मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में ए और बी, ए और बी क्या है, ए और बी है डायमीटर, तो ए बी इज अ डायमीटर। ए बी सी डी ई पांच पॉइंट्स है, तो आपको बताना है देन एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ई बी, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम बताना है आपको। ऑप्शंस हैं 170 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और नन ऑफ दिस, चार ऑप्शंस हैं इसके। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस की तरफ यदि देखो ध्यान से और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि ये वाला एंगल 90 से तो बड़ा ही होगा। रीज़न क्या है कि एक लाइन आप ऐसे खींचोगे तो इस पर डायमीटर से कहीं भी सर्कल की किसी भी सर्कमफेरेंस पे कहीं भी बनने वाला ट्रायंगल, ये एंगल जो बनता है इधर वो 90 डिग्री का होता है। तो इधर ये ऐसी लाइन खींचोगे क्रॉस में, मैं खींच के बता देता हूँ, एक ऐसी लाइन खींचोगे तो ये 90 का होगा, तो ये तो 90 से ज़्यादा का ही हुआ। सिमिलरली इधर भी ये भी 90 से ज़्यादा का हुआ, तो ये दोनों मिलाकर 180 से ज़्यादा के हुए। तो फिर ये दोनों मिलाकर ना तो 170 हो सकते ना 180 हो सकते, या तो 270 हो सकते या फिर नन ऑफ दीज में से कोई है। नन ऑफ दीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको एक नया तरीका मिलेगा कि आप ऑप्शन के बिल्कुल पास पहुँच जाओ, आंसर के पास पहुँच जाओ। गलत ऑप्शंस तो अपने आप ओमिट हो जाते हैं, तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि गलत ऑप्शंस को ओमिट कैसे करें। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस। खैर, अब देखो ये मुझे पता चल गया कि 90 से ज़्यादा है, पर ये ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अब आपको मैं आइडिया बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखना, ध्यान से, कि ये जैसे सेंटर ओ है, सेंटर ओ से ए तक को रेडियस कहेंगे हम, ये भी रेडियस है, तो ये भी एक रेडियस बना लो, इससे क्या होगा एंगल एंगल पता कर सकते हो। ये भी रेडियस बना लो, ये भी रेडियस बना लो। अब इसके आमने सामने के एंगल बराबर है तो इनको आप नाम दे दो अल्फा अल्फा, ये दोनों एंगल आमने सामने के बराबर है तो इनको नाम दे दो बीटा बीटा, ये दोनों इसमें बराबर है तो आमने सामने में इसमें आप दे दो गामा गामा,
या अल्फा बीटा थीटा थीटा दे दो, अल्फा बीटा थीटा है ना, और इसके एंगल बराबर है तो इसको आप गामा गामा नाम दे सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो वो नाम दे सकते हो। अब आप ये सारे एंगल, एक दो तीन चार पाँच, पेंटागन बन गया। क्या बन गया? पेंटागन। और पेंटागन का सम होता है, पेंटागन में सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अब एन में पांच साइड है, एक दो तीन चार पाँच, पेंटागन में पांच साइड होती हैं, तो पांच माइनस दो यानी कि 3 × 180, दैट इज व्हाट, 540। ठीक है, तो पेंटागन के टोटल एंगल का सम 540। ठीक है भाई, 540 हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि दो अल्फा प्लस दो बीटा प्लस दो थीटा प्लस दो गामा बराबर 540। ठीक है, दो कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस गामा, दो से 540 कट जाएगा यानी कि 270। तो देखो ध्यान से, हमें ये चाहिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस गामा, यानी कि ये एंगल आ गया सी और ये एंगल आ गया ई, दैट इज व्हाट, 270, यानी कि हमारा ये आंसर है। तो मैनी ए टाइम्स हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन से आंसर के करीब तक पहुंच जाते हैं और हमें टिक करने में बड़ी आसानी होती है, हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ये आंसर हो सकता है। मान लीजिए कि इधर कोई और ऑप्शन दिया होता, मान लीजिए 300 डिग्री ऐसे दिया होता, तो हमें पता है कि ज़्यादातर हम जो ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं उसमें जो भी आंसर आते हैं वो 90 से या 180 से कटने वाले आते हैं, यदि हम सम की बात करें तो, है ना, या 30 से कटने वाले आते हैं, 90 से और 180 से नहीं कटेंगे तो 30 से डिवाइड होंगे, क्योंकि हमने जनरली यही एंगल्स पढ़े हैं, 30, 60, 90, 180। हमने कभी 15 डिग्री, मान लो 15 डिग्री से कटने वाले आ सकते हैं, क्योंकि 15-30 का एक फ्रैक्शन होता है, मतलब एक उसका पार्ट होता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। खैर, इसका ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो होता ही इम्पोर्टेंट है, पर अच्छा क्वेश्चन था। एंड आंसर इज 270। चलो और चलते हैं आगे। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब कि आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया कि 247/384 और 257/394, विच इज़ बिगर। इनमें से कौन सा बड़ा है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए, तो कंपैरिजन करना बिना पेन के तो मुश्किल सा लग रहा है, पर ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्राई करेंगे। देखो, पहले हम देखते हैं कि कंपैरिजन का क्या तरीका है। 247 से आप 257 को कंपेयर कर रहे हो, तो ये देखो इससे कितना ज़्यादा है, तो इससे 10 ज़्यादा है, और ये इससे कितना ज़्यादा है, ये भी इससे 10 ज़्यादा है। तो देखो ध्यान से, 247 और 384 ये तो लिखा ही है, ये इससे 10 ज़्यादा है, इसका मतलब 247 प्लस 10 और 384 प्लस 10। मेरे कहने का मतलब है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो लिख के समझाना पड़ेगा आपको, नहीं तो समझ कैसे आएगा। 247 का 247 से कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ये इससे बड़ा है ना छोटा ही, सेम है, इसका भी इससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब कंपैरिजन किससे होगा, 10 और 10 से, ऊपर भी 10 नीचे भी 10। यदि आप इसे देखें 247
और 384 को कि ये 10 और 10 है तो इसे कैंसिल आउट करके हम 1 और 1 बना सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 247 आ जाएगा बिल्कुल इधर और ये आ जाएगा 384, यानी कि सेकंड वाला पार्ट बड़ा है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं फर्स्ट वाले से सेकंड वाला बड़ा है तो आप यहाँ पर ये वाला निशान लगा सकते हैं, यानी ये नंबर बड़ा है। तो बिना पेन के आप कर सकते हो सॉल्व, या तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल का पता हो कि ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, या आपको वो पता हो कि हम फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे समझ सकते हैं कि इसे कितना बड़ा है, ये इसे कितना छोटा है, ऐसे करके। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके आगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ बड़े नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, और हम उनका आंसर निकालते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 347 और उसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 999 से, 3 नंबर से कर रहा हूँ, और मुझे इसका नंबर ये बिना पेन चलाई आंसर निकालना दिमाग से। तो इसको 1000 माइनस 1 लिखोगे आप, फिर इसका 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 347000, फिर उसमें से 347 माइनस करोगे, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। इसका एक तरीका और है, क्या तरीका है, डायरेक्ट आंसर लिखो, डायरेक्ट 347 की बजाय लिखो 34 और इसे एक कम यानी कि 6 लिख दिया, 346 लिख दिया। अब आप क्या करोगे कि 3 को 9 में से माइनस करो तो बचेगा 6, 4 को 9 में से माइनस करो तो बचेगा 5 और 9 में से 6 को माइनस करोगे तो बचेगा 3। दिस इज योर आंसर। दोबारा देखो, यदि मैं 47 का मल्टीप्लाई करता हूँ 999 से, 47 का, तो कैसे आएगा, तो भी बड़ा सिंपल है। आप क्या करो, इधर 0 मान लो और आप जब इसे लिखोगे तो 04 और 1 कम यानी 6 लिखना है, 046 लिख रहा है। अब 0 को आप 9 में से माइनस करोगे तो आएगा 9, 4 को माइनस करोगे तो आएगा 5 और 6 को माइनस करोगे तो आएगा 3। दिस इज योर आंसर अगेन। अब आप यहाँ से 0 हटा सकते हैं तो योर आंसर इज ओनली दिस 46953। समझ में आ रहे है? फिर से देख लो एक और, आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं इसे यहाँ से हटा देता, मैंने लिखा ओनली आप 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो 999 से, ठीक है, 999 से 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि ये 4 से एक कम, यानी कि जैसे पहले 2 जीरो ले लो और इसको लिख लो 443, एक कम लिख लो आप 003 एक कम लिख लो, उसके बाद 0 को 9 में से हटाओगे तो 8 बचेगा, 0 को 9 में से हटाओगे तो 8 बचेगा और 3 को 9 में से हटाओगे तो 6 बचेगा। दिस योर आंसर। तो और अब इन 0 को हटा दो तो दिस योर आंसर 3886, है ना, सही तरीका, सिंपल। तो ये बड़े आसान तरीके होते हैं, कोई भी नंबर को आप 999 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इवन मैंने लिखा 23467 और 12345 1 2 3 4 5, ये भी पाँच, ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करो इन केस। तो आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने बोला कि पहले ये नंबर लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो और 1 कम 6। अब आपको ये वाला नंबर हटाना है, ये नहीं, ये वाला, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और देन 3। दिस इज योर आंसर, बिल्कुल सिंपल है, क्वाइट सिंपल, ठीक है, आया समझ में। मान लीजिए कि ये नंबर एक ज़्यादा होता तो यहाँ एक जीरो लगा देते, एक कम लिख देते, फिर सबको माइनस करते। कैसे लिखते कम, 0 2 3 4 6 6, अब माइनस करो उसको, 0 हटाओगे 9 में से तो 8 बचेगा, 2 हटाओगे तो 7, 3 हटाओगे तो 6, 4 हटाओगे तो 5, 6 हटाओगे तो 3 और फिर से 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, आया समझ में, वेरी गुड। तो अब बिना पेन के ये भी हो गया, अब बिना पेन के कुछ क्वेश्चंस के स्क्वेयर्स भी कर लेते हैं हम, स्क्वेयरिंग द नंबर्स।
और नंबर कौन से? बड़े वाले। बड़े वाले कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना है हमें। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप क्या करोगे कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो कुछ नंबर तो इधर आएगा, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितना कम है 1 लाख से, कई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार 10 लाख, 10 लाख से कितना कम है? ये 2 कम है, 2, 2 की कमी है, 9, 9, 9, 9, 9, 8 में 2 और जोड़ दो तो कंप्लीट 10000 वाला फिगर बन जाएगा, 2 की कमी है। तो आप क्या लिखो, 9, 9, 9, 9, 9 और 2 कम करके 6, 2 की कमी है तो 8 में से 2 गया 6। और अब आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 2 का डिफरेंस था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो लास्ट में लिखेंगे। यदि 2 डिजिट में होता तो 2 डिजिट कंप्लीट, 1 इधर 1 इधर आ जाती, यदि 3 होती तो 3 इधर आ जाती, लेकिन जो खाली बच रही है उसमें आपको 0000 लिख देना है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। एक दोबारा से देखते हैं, तो जैसे 997 का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्योंकि ये 1000 से 1000 से 3 कम है, तो 3 जीरो होती है 1000 में, तो 3 कम है तो 3 कम और कर दो, तो 996 हो जाएगा, 994 हो जाएगा 3 कम करने के बाद, हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लास्ट में लिखेंगे और बाकी में 00 लगा देंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपना दिमाग लगाकर ऑप्शंस की मदद से भी आंसर के आसपास पहुंच सकते हैं, तो ये लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।